आईपीएल 15 का 65वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। मुंबई की बात करें तो यह टीम 12 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है, और वहीं हैदराबाद ने 12 मुकाबलों में 5 जीत हासिल की है। उसका नेट रन रेट 0.270 है। मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है, लेकिन इस सीजन में टीम अपने नाम के अनुरूप नहीं खेल सकी। शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि ऑक्शन के समय ही प्लेयर्स को चुनने में मैनेजमेंट से चूक हो गई। सीजन शुरू होने के बाद मुंबई की सलामी जोड़ी की लगातार नाकामी टीम पर भारी पड़ी। तेज गेंदबाज में बुमराह के साथ ट्रेंट बोल्ट होते तो टीम का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। वहीं किरण पोलार्ड की खराब फॉर्म को देखते हुए एमआई अब नए खिलाड़ियों को अजमा रही है। इस मुकाबले में भी वो सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार 5 मुकाबले जीतकर शुरुआती नाकामी के बाद दमदार वापसी में सबको चौंका दिया। सबको लगा कि मुंबई आसानी से प्लेऑफ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद टीम की हार का सिलसिला शुरू हो गया, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमरान मलिक जैसे स्पीड स्टार को सीधे बल्ले से खेलते हुए विपक्षी बल्लेबाज उन पर जमकर रन बटोर रहे हैं। केन विलियम्स बल्लेबाजी में फ्लॉप होकर टीम की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। उनकी कप्तानी भी सवालों के घेरे में है। आंद्रे रसेल जैसे आक्रामक बल्लेबाज के सामने आखिरी ओवर में स्पिनर को लगाना किसी भी लिहाज से सही फैसला नहीं था। उनकी कप्तानी का चूक के कारण कोलकाता के खिलाफ टीमों को बड़ा टारगेट चेंज करने को मिला, जिसमें हैदराबाद हासिल नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।